आपकी बार मौसम वैसे तो हम कह रहे गर्मी ना रहेगी, लेकिन आज मेरे तो ये लगता हो पड़े तहारी भी हो पड़े हैं भाई, गर्मी पड़े कुछ पड़े। आपकी बार 5 तारीख को सबसे बड़ा तसाला यू ही है, प्रजातंत्र में आपको जो ताकत मिली है वोट की, उससे बड़ी ताकत हमें मिल नहीं सकती। हम अपना कौन हमारा जो है पार्टी राज करे, कौन हमारा सांसद हो, कौन हमारा विधायक हो, ये आप चुनते भाई। 5 तारीख को ऐसा कसाला कर दीजिए जिससे हमारे अपने भी है ना वो भी कहें भाई गांव में, पूरे गांव तो बड़ो है लेकिन पोलिंग ना करे भाई। आपके बार पोलिंग करके ना नंबर 1 पे कर देना और सारी की सारी वोट कांग्रेस को दे देना, जिससे कि आपका विकास का नंबर 1 भी कोई आपसे वंचित ना कहे, कोई ये ना कहे कि भाई वोट में कमी रहेगी और विकास में। लेकिन ये आपने क्षमता भी है, आपने करके दिखाया भी है। मैं तो यही कहूंगा भाई, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है हमारी, क्योंकि 10 साल में जो चीजों के बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि ये चीजें हमें मांगनी पड़ेंगी या हमें से दूर भाग जाएंगी, इस बीजेपी के राज वालों ने उनको भी कर दिया है। इसके साथ साथ एक बात और कहूंगा भाई, कुछ लोग हैं बीजेपी में निशान दूसरा लेके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं भाई, उनके मामले मत आ जाए। वो वही बीजेपी में ही है, वो तो उसको फायदा पहुंचाने के लिए रुपया पड़ा कर रहे हैं, नूरा कुश्ती है, और उसी चीज का जो है लोगों में भ्रम पैदा करने की बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो जवाब दे दिया, आपसे भी मैं कहूंगा कि वक्त को समझो और हमें एक ऐसा शासन लाना है जिसमें जो शासन आपका हो, हमें किसी की बैसाखियों की जरूरत नहीं है साथियों। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, कोई और मैदान में नहीं है। इनका तो लोकसभा में ही मुकाबला जो था वो नोटों से रहा था, चाहे जजपा हो चाहे लोकदल हो। अब की बार की हालत तो यही है कि इनका मुकाबला नोटों से ही होना है, किसी और से तो होने की भी वो ही नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ी अक्सरियत से पूरे हरियाणा में जो है चुनाव जीतने जा रही है। 36 बिरादरी का समर्थन और विश्वास हमें हासिल हो रहा है। हम इस बात को आपके बीच में कहते हुए कि भाई पूरी जिम्मेवारी से आप सब लोगों ने जो हमें समर्थन दिया, साथ दिया है, इसको बरकरार रखेंगे। आप लोगों का मान सम्मान बरकरार रखेंगे। आपने जो एक विकास के लिए एक नई पहल करी है सबको साथ लेके चलने की, उसको साथ लेके चलने का काम करेंगे और इलाके को विकास की और इलाके को खुशहाली की नई बुलंदियों पे पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। जो महात्मा गांधी का संदेश है इस इलाके में, जो राहुल गांधी का संदेश है, वो हमेशा आप लोगों के लिए भाईचारे का जो संदेश है उसी में आप लोगों के विचार मिलते हैं, और इसी विचार को मिलते हैं आप लोगों ने जो ये फैसला लिया है आज कांग्रेस को समर्थन देने का और कांग्रेस को वोट देने का। मैं एक ही बात या आपके बीच में कह सकता हूं, एक संघर्ष 10 साल में से कांग्रेस लड़ रही है इस प्रदेश में जनता के साथ मिलकर, और वो संघर्ष अब कुल 10 दिनों का संघर्ष रह गया है। भाइयों, आपने भी बहुत संघर्ष हमारे साथ किए, धरना प्रदर्शन किए, हमने भी आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हर मौके पे जहां भी हमें मौका मिला, चाहे विधानसभा के पटल पे, चाहे सड़कों से लेके, जो हम पे बन पाया हमने वो किया। लेकिन आज एक बात को हम बड़ी जिम्मेवारी से कह सकते हैं, आपके गांव में बहुत बड़ा गांव है, मैं समझता हूं कि आज के दिन हमारे कई कस्बों से भी बड़ा गांव आज घासेड़ा गांव है, लुहू जिला मुख्यालय से भी बड़ा गांव है। साथियों, मैं आपकी 2-3-4 बातें तो मैं यहां पर जरूर कहूंगा। हर बारिश में हमारे इलाके में कहीं बारिश ज्यादा हो जाए, सबसे पहले असर उसका घासेड़ा में पड़ता है, और घासेड़ा में भी क्या खेत तो हमारे उसमें खराब, फसल खराब अब की बार हो ही गई, लेकिन घरों तक में पानी बढ़ता है। जो साहब ने पहले यहां बंद बनवाया था आपके रिंग बंद, पुरानी बातें हैं उनको कहते हैं, रिंग बंद बनवाया था जिससे कि फ्लड ना हो। हम आपके बीच में आज फिर से कहते हैं, खेतों का भी और गांव में पानी ना भरे, इसका पुख्ता इंतजाम कराएंगे, जिससे हमारे गरीबों को जो हमेशा इस बात को झेलते हैं कि पानी भर जाता है, और हमेशा हम उस बात के लिए कहीं इंजन लगवाते हैं, अब की बार उसका
पूरा पुख्ता इंतजाम कराएंगे जिससे कि आप लोगों को मिले। और इसके साथ साथ पीने का पानी जिसकी अभी किल्लत होनी शुरू हुई है, पहले तो राजीव गांधी पेयजल के बाद जिसका बड़वा और बड़का से पानी आता था वो तो पूरा नहीं क्योंकि यहीं से मिलता था, अब फिर से दिक्कत आई है। आपको इसका पुख्ता इंतजाम पीने का पानी का हम करवाएंगे कि उसके लिए चाहे नई परियोजना लानी पड़े या उस पुरानी व्यवस्था को करना पड़े। यहाँ आज बात हुई शिक्षा की, साथियों प्लस टू स्कूल हो चाहे, मैं समझता हूँ एक से डेढ़ दर्जन बच्चे इस गांव के भी अब मुलाजमत में लगे हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ शिक्षण संस्थाएं और मजबूत हो, हमारे साथी हमारे सरपंच साहब और हमारे बुजुर्ग हाजी सुकराती खान ने ये कहा है कि भाई यहाँ कॉलेज। एक बात तो मैं आपके बीच में कह सकता हूँ, पहले भाई जो बाजड़ के में अस्पताल की जो दुर्दशा है ना, वो है तो घासेड़ा के नाम पे। एक बात आपसे वादा करता हूँ, उसकी दुर्दशा को सुधारेंगे, उस अस्पताल को ऐसा बेहतर बनाएंगे जिससे लोगों को उसका फायदा मिल सके। और इसके साथ साथ हम मांग उठ रही है कि कॉलेज के लिए हमने तो पहले भी आपसे कहा था कि गांव में बहुत लंबा गांव है, एक प्राइमरी स्कूल की जगह रिठोड़ा रोड की तरफ दे दो तो हम तो एक प्राइमरी स्कूल भी आपको बना देंगे। आज भी इस बात को कह रहा हूँ, आप जगह दे दीजिए, इंशाल्लाह सरकार आपकी होगी, आपके लिए बच्चों का एक स्कूल जो जिससे इतना लंबा सफर उन्हें ना करना पड़े यहाँ से वहां तक। इसके अलावा क्योंकि अब स्कूल का भी मैं समझता हूँ कि वो छोटा पड़ गया है, इतनी बड़ा उसमें नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ बात हुई है कॉलेज के लिए, तो मैं एक बात तो कह सकता हूँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो इस इलाके में बनेंगी बनेंगी, लेकिन जहाँ जमीन उपलब्ध होगी और जहाँ उसका वो होगा, हम जरूर इन चीजों को भी आपके इलाके में देने का काम करेंगे। मैं फिर से इस बात को कहते हुए मैं आज आपके बीच में कहता हूँ भाई, राजभवन के टाइम पे भी आपने फैसला तो ऐसे ही किया था और मंशा भी यही थी कि सारी वोट जो है कांग्रेस को दे दें। तुम हमारे भाई कय्यूब कुरैशी, हमारे मौलाना शब्बीर के बेटे भाई शमीम और भाई उसामा, हमारे डॉक्टर दीन मोहम्मद, अब्दुल रहमान नंबरदार, अली शेर, हमारे भाई खालिद, इस्माइल सौदान, सल्लम कुरैशी, हमारे कय्यूम कुरैशी, हमारे साथी सभी यहाँ उपस्थित इलाके की सरदारी और हमारे दूर दराज से आए हुए राणा साहब भी आए हैं हमारे बीच में। हमारे बीच में मुजफ्फरनगर से जो है सुधीर शर्मा हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारी जो है वहां से प्रत्याशी रही विधानसभा से आगे आई थोड़ा सा, ये हमेशा मेरे चुनाव में आती हैं, ये हम इनका स्वागत है हमारे यहाँ। हमारे वहां से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, हम वहां ऑब्जर्वर भी थे। हमारे बीच में अभी इलाके की सरदारी, हमारे सभी मौजूदान और यहाँ गांधी ग्राम घासेड़ा के इस ईद का मैदान में सभी हमारे सम्मानित साथियों, साथियों ये वही स्टेज है जहाँ दिसंबर 2022 को हमारे नेता जो भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, तो यहीं से उन्होंने भाईचारे का और नफरत और बंटवारे की राजनीति के खिलाफ जो अपनी आवाज को बुलंद किया था, इस इलाके में यहीं से उन्होंने ये संदेश दिया था। और अगर हम अतीत की बात करें, ये वही गांव है जिसमें महात्मा गांधी ने 1947 दिसंबर में यहाँ भाईचारे का एकता का संदेश देके और हमारे मेवाती भाइयों को पाकिस्तान जो जाना नहीं चाहते थे उनको रोकने का आदेश यहीं से दिया था। ये बहुत ऐतिहासिक गांव है, इसका बहुत महत्व है हमारे लिए, हमेशा दिशा देता है पूरे इलाके को। और मैं आज कह सकता हूँ
आज भी फिर से इसने दिशा दे दी है, आज भी इसने इलाके को दिखा दिया है कि कैसे एकजुट होकर इस भारतीय जनता पार्टी की बदहाली और जो इन्होंने हमारे साथ रवैया रखा है, जो व्यवहार किया है, उसके साथ हम सब मिलके आज इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को कहने के लिए कि मैं किन अल्फाजों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, विकास के काम हमने पहले भी किए थे। 45 साल पहले इस गांव में अस्पताल बनाई गई थी, प्लस टू स्कूल की बात कर रहे हैं, और गांव में आदर्श गांव की घोषणा की बात कर रहे हैं, गांव में पीने के पानी की बात कर रहे हैं, और गांव में 33 KV सब स्टेशन की बात करें, ये सारी आप लोगों को सहूलत हमने देने का काम किया। लेकिन जब 10 सालों का देखते हैं बीजेपी का, तो मैं समझता हूं कि जो बुनियादी चीजें आप लोगों को मिल भी रही थी, उन बुनियादी चीजों को भी इस सरकार ने आपसे छीनने का काम किया है। आज आपके बीच में मैं इस बात को बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, आप लोगों का जो प्यार दुलार और जो समर्थन मिल रहा है, इस बात का सूचक है कि इस इलाके में भाईचारे की, इस इलाके में हमारी गंगा जमनी जो हमारे 210 के चौधरी जाकिर, हमारी पाल के चौधरी हैं, आज ही सुकराती कह रहा हूँ 210, मैं तो 360 आज ही जी हमारे बहुत ही सम्मानित साथी, हमारे चौधरी अशरफ सरपंच,